हम लोग एक वर्ष से इस तैयारी में जुटे हुए थे, कब वो शुभ दिन आएगा, कब वो शुभ दिन आएगा कि हम सब जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में बैठकर अपने मन के भाव अर्पित कर पाएंगे, अपने नेत्रों को सफल कर पाएंगे जगन्नाथ महाप्रभु के उस रस स्वरूप का दर्शन करके। समय बीत गया, पता भी नहीं चला। हमारे जय जय सरकार तो कथा से एक हफ्ते पहले भी यहां पर आकर सब अवलोकन करके गए, लेकिन विश्वास था। और हम तो बार बार कहते जय जय से कि कथा को आगे कर लें, कुछ कर लें, कुछ ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन इनका बस एक ही वाक्य था, जगन्नाथ महाप्रभु पे विश्वास रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, आनंद के साथ होगा। और संतों की वाणी को जगन्नाथ महाप्रभु ने स्वीकार किया, आनंद से उत्सव मना। हृदय बड़ा भारी है, अभी तो बहुत आनंद लेना था, लेकिन समय बीत गया, वो विदाई के क्षण आ गए। कितना कुछ कहना था, कितना कुछ कहने के लिए आए थे, कितने भक्तों को याद करना था यहाँ बैठ के, लेकिन जितना संभव हो पाया उतनी ही बात कर पाए, क्योंकि हम जैसे बहुत हैं गोविंद के पास। लेकिन उन्होंने फिर भी एक पल के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने 5 दिन हमको दे दी ये कृपा, नहीं तो और क्या। जय कहने को जी चाह रहा है जगन्नाथ महाप्रभु से, अगले वर्ष कहाँ कथा हो, कहाँ उत्सव हो, ये तो श्री बिहारी जी महाराज ही जाने, लेकिन वर्तमान सुख की प्रधानता को मानते हुए ये पल दोबारा जीवन में कब आएंगे ये तो वो ही जाने, लेकिन बस जगन्नाथ महाप्रभु से यही प्रार्थना, हमारा भजन ना टूटे, उनके प्रति हमारा ध्यान ना छूटे, उनके प्रति हृदय में प्रेम सदैव जगा रहे, उनके चरणों में अनुराग जगा रहे, और वो ऐसे ही कृपा करके हमको बारंबार बुलाते रहें। जगन्नाथ महाप्रभु, बस आज 2 शब्द कह के हम अपने दिल की पूरी बात कहना चाहते हैं आपसे। विदाई का समय है, उत्सव भी है, लेकिन हृदय भारी है, सरकार से यही कहना चाहेंगे। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी घर जा रहे, जाने कब ये सुख आएंगे, कब ये दिन आएंगे। जीवन कितने पलों का है, ये समय दोबारे आएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेके, एक एक आशा लेके बस इतना ही कहना चाहे। हम ब्रजवासी घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, 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 ब्रजवासी अपने घर जा रहे। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ
साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी हमें जल्दी बुला, दुआ है प्रभु जी हमें जल्दी बुलाना। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी हमें जल्दी बुला, मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। इसलिए प्रार्थना करना, जाना तो पड़ेगा लेकिन बस जगन्नाथ हृदय से ना जाए, जगन्नाथ हृदय में विराजमान रहे। यहाँ की एक एक पल की स्मृतियां हमारे हृदय में बसी रहे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने चरणों में ऐसे उत्सव महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें देते रहे। मेरे भाई बहन, अनुभव सबको हुआ है, ऐसा कौन है यहां जिसे जगन्नाथ महाप्रभु ने स्पर्श ना किया हो? ऐसा कौन है यहां जिसे जगन्नाथ महाप्रभु ने हृदय से ना लगाया? अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी नींद को त्याग कर जगन्नाथ महाप्रभु तीन तीन साढ़े तीन तीन बजे तक रात को हम सबको दर्शन देते रहे। अगर हम जगे तो महाप्रभु भी हमारे लिए जगे। अगर हमने श्रम किया तो महाप्रभु ने भी कितना श्रम किया। उनके प्रति अनुराग जागृत रहे और बस उनसे यही कहते रहे, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा। प्रभु जी हमें जल्दी बुलाना, दुआ है प्रभु जी हमें जल्दी बुलाना। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, मानो सही तुमको बतला रहे हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे।
अपनी कृपा की बरसा बरसाए रखना, अपनी कृपा की वर्षा बरसाए रखना। गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना, गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना। इस व्यासपीठ से श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में क्षमा याचना कर रहे हैं। सरकार, अगर हमारे भाव में कोई कमी रह गई हो तो अबोध बालक समझ के हमको क्षमा कर दे। सरकार, आपकी सेवा में कोई त्रुटि बन गई हो, धाम में हमसे कोई अपराध बन गया हो तो अनजान मान के, एक एक छोटा बालक मान के हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। और इसी व्यासपीठ से, क्योंकि ये उत्सव हम सब का है, आप सब से भी हम क्षमा याचना मांग रहे हैं। अगर क्यों हम छोटे छोटे से जीव हैं, छोटे छोटे से लोग हैं, हमारी व्यवस्थाएं बड़ी छोटी छोटी, छोटे से हम लोग, छोटी सी हमारी व्यवस्थाएं, लेकिन इस छोटी सी व्यवस्था में अगर आपको किसी को किसी प्रकार का वाणी से, किसी को किसी प्रकार के स्वभाव से, किसी को किसी प्रकार के व्यवहार से कष्ट पहुंचा हो तो हम आप सब वैष्णव जनों से भी क्षमा मांगते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कहीं कोई अपराध बन गया हो, कहीं कोई किसी को वाणी का प्रहार लगा हो, किसी का व्यवहार किसी को पसंद ना आया हो, तो सब वैष्णव जनों की तरफ से हम आप सब से क्षमा मांगते हैं। बस उत्सव को मनाना है, मनाने वाले जगन्नाथ प्रभु है। जीव तो गलतियों का पुतला है, जीव से तो गलतियां अपराध होती ही रहेंगी, लेकिन फिर भी जगन्नाथ महाप्रभु की व्यवस्था में आपको कहीं कुछ भी ऐसा लगा हो कि ये कमी थी, ये कुछ हो, तो आगे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, आगे कोई उत्सव महोत्सव मनाने की कृपा सरकार करेंगे तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे गुरुदेव की कृपा से। लेकिन अगर किसी को किसी की भी बात का या हमारी किसी बात का कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम आपसे माफी क्षमा याचना करते हुए, जगन्नाथ महाप्रभु से क्षमा याचना करते हुए बस इतना ही कहना चाहते हैं, अपनी कृपा की बरसा बरसाए रखना, अपनी कृपा की वर्षा बरसाए रखना। गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना, गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे, दिल की ये बात तुमको बतला रहे, दिल की ये बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी। सभी पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, घर जा रहे। एक बार और कहो जगन्नाथ महाप्रभु से, छूटे नहीं तेरा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, ए छूटे तुम्हारा। कर दो कृपा प्रभु जी जल्द।
जल्दी बुलाना। कर दो कृपा प्रभु जी जल्दी बुलाना। मानो सही तुमसे बतला रहे हैं, मानो सही तुमसे बतला रहे, मानो सही तुमसे बतला रहे, मानो सही तुम। बस दोनों भुजा पसार समर्पित हो रहे। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। महाप्रभु ऐसे ही कृपा बरसाएं, आप सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, सुखी रहें। मेरे गोविंद सदा सर्वदा आप सबके हृदय आंगन में विराजमान रह के आप सबको अपने दिव्य स्वरूप का, दिव्य नाम का सुख प्रदान करते रहें। आपके जीवन में प्रभु नाम का भजन बन जाए, आप सबके हृदय में गोविंद से मिलने की वो ललक, वो तड़प, वो व्याकुलता जागृत हो जाए। आप सब सदैव आनंद के साथ उस आनंद घन के ध्यान में मग्न रहें। आप सब यहाँ अपनी चिंताएं छोड़ के जाएं, क्योंकि जिसके सिर पर जगन्नाथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चिंताओं को छोड़ के यहाँ से जगन्नाथ का चिंतन करते हुए यहाँ से सब प्रस्थान करना, और अगले वर्ष जो उत्सव हो, श्री ठाकुर जी आप पर कृपा करें। आप सब की तरफ से हम अपने आराध्य से प्रार्थना करें, हमारी इस भक्तमाल की रस यात्रा में आप सब प्रथम यात्रा से जुड़े हो, आगे भी प्रत्येक संकल्प में आप सब ऐसे ही आनंद लें और आनंद के साथ ठाकुर जी के महोत्सवों को मनाने के लिए धाम में पधारें।